नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर चुकी है। चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियां भी आरंभ हो चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई है। यहां से कांग्रेस ने शुभानंद मुकेश को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने इस बार पवन कुमार यादव पर दाव खेला है। कहलगांव की वर्तमान राजनीति पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सीट के अतीत पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। कहलगांव सीट भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा सीट पर साल 2015 में लोजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी। कांग्रेस से सदानंद सिंह तो लोजपा से नीरज कुमार मंडल चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। सदानंद सिंह को 64,981 वोट मिले थे, वहीं नीरज कुमार मंडल को 43,752 वोट मिले थे। 21,229 वोट से सदानंद सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब हम साल 2010 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस साल इस सीट पर कांग्रेस और जदयू के बीच कड़ा टक्कर रहा था। कांग्रेस से सदानंद सिंह, वहीं जदयू से कहकशा परवीन चुनावी मैदान में आमने सामने रहे थे। इस साल भी सदानंद सिंह ने बाजी मारी थी। अब हम साल 2005 के चुनावी साल की तरफ चले तो इस साल भी फरवरी महीने में कांग्रेस से सदानंद सिंह का ही दबदबा रहा था। वहीं अक्टूबर में जदयू से अजय कुमार मंडल विधायक रहे थे। साल 2000 में भी सदानंद सिंह ही विधायक चुने गए। अब हम साल 1995 के परिणाम को देखें तो राजद से महेश मंडल विधायक चुने गए थे। वहीं 1990 में जनता दल से महेश प्रसाद मंडल का कब्जा रहा था। क्षेत्र के विकास कार्यों को देखा जाए तो सड़कों का निर्माण हुआ, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन बनाए गए, मूलभूत जरूरत पेयजल की पूर्ति गाँव में की गई, वहीं रोशनी की भी व्यवस्था हुई। एक नजर चुनावी मुद्दों पर डाले तो किसान की सिंचाई की समस्या अहम है, वहीं महिला कॉलेज की भी मांग रही। इसके अलावा उद्योग के विकास को लेकर भी मांग लगातार बनी हुई है। अतिक्रमण और जाम की समस्या से स्थानीय जनता परेशान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कहलगांव सीट महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस के खाते में गई है, वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा को मिला है। इस सीट पर सियासी लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवार भागीरथ कुमार भी खड़े हैं। भारतीय पार्टी से प्रतिमा देवी और वंचित समाज पार्टी से मनोज कुमार ने भी नामांकन कराया है। इस सीट पर सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा से पवन कुमार यादव और कांग्रेस की तरफ से शुभानंद मुकेश चुनावी मैदान में हैं। शुभानंद मुकेश सदानंद सिंह के बेटे हैं। साल 2000, 2010 और 2015 में विधायक रहे सदानंद सिंह इस बार खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, अपने बेटे को सियासी मैदान में उन्होंने उतारा है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार है तो वही मौजूदा विधायक सदानंद सिंह के बेटे टक्कर में है। अब देखना यह दिलचस्प है कि कहलगांव की जनता किसे वोट देकर अपना नेता चुनती है। यहां की जनता भाजपा पर यकीन करती है या फिर मौजूदा विधायक के बेटे शुभानंद पर अपना भरोसा जताती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।